If we talk about the theme of this chapter, what is the theme of this whole chapter? What writer actually wants to convey to us with this story? If we focus on excessive care and concern of Mrs. Pomfrey towards his dog, we can see excessive care and concern can create trouble in their life and can go wrong sometime, which may lead to drastic consequences. And if we focus on blind love for our loved ones can actually harm them. So these are the themes which have been used in this chapter. Let's move further. Hi students, hope you all are fine. Today we'll see the character sketch of Mrs. Pomfrey. Check out my video, How to Write a Character Sketch. कैरेक्टर स्केच को लिखने से पहले मेक सम पॉइंट्स, जैसे मैं यहाँ पर अभी मिसेस पॉम्फ्रे को लेकर पॉइंट्स बनाने वाली हूँ. मिसेस पॉम्फ्रे का कैरेक्टर कैसे स्टार्ट होता है और कैसे वो आगे बिल्डअप होता है, उसी चीज़ को देखते हुए. इनिशियली बताया दैट शी इज़ फैबुलसली रिच और वो एक लैविश लाइफस्टाइल प्रोवाइड करती हैं ट्रिकी को भी, और ख़ुद भी एक लैविश लाइफस्टाइल जीती हैं. और ट्रिकी को कैसे प्रोवाइड करती हैं, वो उसको डिफरेंट चॉकलेट्स देती हैं, क्रीम केक्स देती हैं, उसे वाइन देती हैं सेवरल ओकेजन्स पे, उसके पास डिफरेंट डिफरेंट कोट्स हैं. तो इन सब चीज़ों से पता लगता है कि वो एक नॉर्मल डॉग को जो लाइफस्टाइल मिलता है वो उससे काफ़ी ज़्यादा लैविश लाइफस्टाइल जी रहा है. और वो खुद भी एक लैविश लाइफस्टाइल जीती हैं. वो कैसे, क्योंकि उनके पास मेड्स हैं, सर्वेंट्स हैं एट हर होम जो उनकी केयर करते हैं. उसके बाद वी सी दैट शी हैड एन इग्नोरेंट बिहेवियर टूवर्ड्स ट्रिकी ऑब्वियसली. और वो कैसे, क्योंकि वो उसको बहुत ज़्यादा ओवरफेड करती हैं चॉकलेट्स से, ये कि वो चॉकलेट्स केक्स ये सब इतना ज़्यादा देती हैं कि वो एक ब्लॉटेड सॉसेज की तरह हो जाता है. तो ये सब चीज़ें, और वो ही बिकेम सिक. तो इतना भी ज़्यादा किसी को इतना ज़्यादा प्रोवाइड नहीं करना चाहिए, इतना ज़्यादा इग्नोरेंट बिहेवियर नहीं होना चाहिए, या फिर किसी में इतना ज़्यादा इंडल्ज नहीं हो जाना चाहिए तो कि वो उसकी वजह से उसकी तबीयत ख़राब हो जाए. तो इसी पॉइंट से वी कैन मेक अनदर पॉइंट दैट इज़ ओवर इंडल्जेंट. ओवर इंडल्जेंट इसलिए बोला है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इंडल्ज थी. एक नॉर्मल पैम्पर करना, एक नॉर्मल केयर करना इज़ डिफरेंट, बट किसी में बहुत ही ज़्यादा ओवर इंडल्ज हो जाना वो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल हो जाता है दूसरे पर्सन के लिए भी. और इन सब चीज़ों को अगर हम ध्यान में देखें कि वो इतना ज़्यादा उनका इग्नोरेंट बिहेवियर था, इतना ज़्यादा ओवर इंडल्ज थी, तो वी कैन से इससे हमें ये पता लगता है दैट कहीं ना कहीं शी वॉज लोनली. सो लोनलीनेस इज़ दी अदर पॉइंट, कि कहीं ना कहीं वो लोनली थी इसलिए वो अपना सारा का सारा टाइम जो था वो ट्रिकी पर लगाती थी. आफ्टर दैट जब हम आगे स्टोरी फर्दर रीड करते हैं तो वी गॉट टू नो दैट शी वॉज इमोशनली अटैच्ड टूवर्ड्स अ डॉग. वो हमने बहुत जगह पर देखा है, जब वो हॉस्पिटलाइज्ड हो जाता है तो वो रोती हैं और उसको कुशन्स, टॉयज़ और पता नहीं कितनी चीज़ें देती हैं. और मतलब वही जब मिस्टर हैरी जा रहे होते हैं तो पॉइंट भी आता है कि दैट शी स्टार्टेड वेलिंग एंड एवरीथिंग. और उसके बाद जब ट्रिकी लास्ट में जब ट्रिकी ठीक हो जाता है वो एंशियस होती हैं, पूरे टाइम कॉल करती रहती हैं. और उसके बाद जब लास्ट में ट्रिकी ठीक हो जाता है तो उसके बाद शी वॉज़ वेरी हैप्पी. और इनिशियली भी वो इतना ज़्यादा केयर करती हैं उसकी. तो इन सब चीज़ों से पता लगता है कि वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड थी. अनदर पॉइंट इज़ एंशियस. ये तो हम जब से स्टार्टिंग से देख रहे हैं तो एंशियस पॉइंट तो हम आराम से निकाल सकते हैं. वो कैसे, इनिशियली भी वो वरीड थी ट्रिकी के लिए, जब वो कुछ नहीं खा रहा था तभी उन्होंने एनर्जी वाली चीज़ें उसको देनी स्टार्ट करी थी. और लास्ट में भी उनकी इस वरीनेस के बारे में पता लगता है कब, जब वो पंप वो जब हैरेट उसको हॉस्पिटलाइज कर देता है उसके बाद भी वो कितनी बार कॉल करती हैं हॉस्पिटल में, तो उन सब चीज़ों से भी पता लगता है. नेक्स्ट पॉइंट इज़ अफेक्शनेट क्यों थी, क्योंकि जब मिस्टर हैरियट ने बता दिया था कि वो हॉस्पिटलाइज्ड है और अब वो ठीक होना स्टार्ट हो गया तो उन्होंने एग्स भेजने स्टार्ट कर दिए, वाइन स्टार्ट भेजनी स्टार्ट, तो उससे पता लगता है वो कितनी ज़्यादा अफेक्शनेट थी. देन एट द एंड जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ ग्रेटफुल. ऑब्वियसली मतलब वी कैन से ग्रेटफुल और थैंकफुल सेम थिंग्स,
थैंकफुल कैसे लास्ट में वो सारा का सारा क्रेडिट जो है वो हेरिट को देती हैं, और ये बोलती हैं कि मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ क्योंकि मेरे लिए ये एक्चुअल टाइप ऑफ सर्जरी है। आपने मेरे डॉग को बिना किसी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए बिना किसी मेडिकल ट्रीटमेंट के ठीक कर दिया, दैट वॉज वेरी इम्पॉर्टेंट। एंड एट द एंड बिलीवर, मतलब ओके, मिस्टर हैरियट ने सब कुछ किया था, उन्होंने उसको बिना मेडिकल ट्रीटमेंट के ठीक किया था, लेकिन कहीं ना कहीं मिसेस पम्फ्रे का जो बिलीफ था हैरियट पर और इस चीज़ पर कि हाँ ट्रिकी रिकवर हो जाएगा, तो दैट वाज आल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट। अब हम देखेंगे कि इस कैरेक्टर मिसेस पम्फ्रे के कैरेक्टर स्केच को लिखना कैसे है। सबसे पहले अपने कैरेक्टर स्केच को 3 पार्ट्स में डिवाइड करो, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड देन कंक्लूजन, राइट। उसके बाद अब हम देखेंगे इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है। इंट्रोडक्शन में मिसेस पम्फ्रे वॉज फेबुलसली रिच, स्टार्टिंग में ही बताया है कि वो बहुत ज़्यादा रिच थी। हु ओन्ड अ पेट नेम्ड ट्रिकी, ट्रिकी उनका पेट था। शी पेम्पर्ड हिम टू सच एन एक्सटेंट दैट शी, उन्होंने इतना ज़्यादा उसको पेम्पर किया था टू सच एन एक्सटेंट दैट शी ओवरफेड हिम विद चॉकलेट्स, केक्स एंड विच मेड हिम लुक लाइक अ ब्लॉटेड सॉसेज, जिसने उसको एक ब्लॉटेड सॉसेज की तरह बना दिया था। शी कंसिडर्ड ट्रिकी टू बी हिज चाइल्ड, वो ट्रिकी को अपने एक बच्चे की तरह मानती थी, बट स्पॉइल्ड हिम, मतलब एक चाइल्ड की तरह मानती थी लेकिन उसको इतना ज़्यादा स्पॉइल कर दिया था। बाय फुलफिलिंग ईच एंड एवरी डिमांड ऑफ हिम शी नेवर थॉट ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हर एक्शंस, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने कभी देखा ही नहीं कि जो वो कर रही है उनके जो एक्शंस है उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। ओके अब हम जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे बॉडी सेक्शन में एक्सप्लेन करेंगे। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, वेल्दी लेडी विद लैविश लाइफ स्टाइल, शी वॉज क्वाइट फैबुलसली रिच, शी यूज टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन हर पेट ट्रिकी ऑन बाइंग एक्सपेंसिव फूड लाइक कॉड लिवर ऑयल, माल्स, चॉकलेट्स, वाइन्स, केक्स। शी गेव लग्जूरियस लाइफ स्टाइल टू हर डॉग। शी यूज टू गिव वाइन टू हिम ऑन सेवरल ओकेजन्स। शी यूज टू बाई डिफरेंट सॉर्ट ऑफ क्लोथ्स इवन फॉर हर डॉग फॉर डिफरेंट ओकेजन्स। ट्रिकी ऑल्सो हैड स्पेशल बॉल्स फॉर हिज फूड। शी वॉज वेरी वेल्दी एंड रिसोर्सफुल, हाउ डू वी नो दैट, एज शी ऑलवेज सराउंडेड बाई मेड्स एंड सर्वेंट्स ऑल द टाइम। देन कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट, इग्नोरेंट बिहेवियर। इग्नोरेंट बिहेवियर उनका कैसे था। Mrs. Pumphrey pampered her dog to such an extent that she overfed him with chocolates, cakes and everything which made him look like a blotted sausage and he fell sick, जिसकी वजह से वो बीमार पड़ गया था। Though Mr. Herod warned her not to give sweets to him, Mr. Herod ने बोला था कि उसको sweets मत दो, she didn't follow, she didn't even take his advice, मतलब Mr. Herod ने दो चीज़ें बोली थी कि एक तो उसको sweets मत दो और दूसरा उसको एक्सरसाइज करो, बट शी डिंट इवन टेक हिज एडवाइस टू गिव हिम अ प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, ओवर इंडल्जेंट, येस शी वॉज ओवरली इंडल्ज्ड इन हिम, शी वॉज फुली इंडल्ज्ड इन हिम। शी डिंट सी दैट ही वॉज बिकमिंग सिक डे बाई डे, ही हैड नो एनर्जी इन हिम, स्टिल शी वॉज फीडिंग हिम हिज चॉकलेट्स, केक्स, बिकॉज वो ट्रिकी को अच्छी लगती थी। वो इतना उन्होंने इग्नोर कर दिया, इतना ओवर इंडल्ज हो गई दैट शी डिंट सी एनीथिंग दैट ही इज बिकमिंग दैट ही वॉज बिकमिंग सिक डे बाई डे। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, इमोशनली अटैच्ड, येस शी वॉज इमोशनली अटैच्ड टू हिम। हाउ, When Mr. Herriot was moving off from her house, जब Mr. Herriot move off कर रहे थे, drove away कर रहे थे from her house to get him hospitalized, to get Ricky hospitalized, she had tears in her eyes, she was wailing. This shows that कि वो बहुत ज़्यादा emotionally attached थी उससे। Then, when he was getting hospitalized, जब hospitalized हो रहा था, she gave him his cushions, toys, day bed, night bed, different types of courts, day ball, night ball and many things. उसको उनको ये लगा कि पता नहीं किस किस चीज़ की उसको नींद पड़ जाए, तो वो इतनी ज़्यादा उससे अटैच थी कि तो आप ये भी ले जाओ, वो भी ले जाओ ना, एवरी थिंग। ओके
एंड कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज गेट इमोशनल व्हेन ट्रिकी लिफ्ट हर फेस एट द एंड ऑफ द स्टोरी. वी सॉ दैट मिसेस पॉम्फ्रे शी गॉट इमोशनल व्हेन ट्रिकी लिफ्ट हर फेस. तो शी गॉट इमोशनल व्हेन ट्रिकी लिफ्ट हर फेस, सो दैट वॉज द दैट शोज दैट शी वॉज इमोशनली अटैच टू हिम. नेक्स्ट पॉइंट, लोनलीनेस. ये तो हमें स्टार्टिंग से ही नज़र आ रहा है दैट शी वॉज क्वाइट लोनली, दैट्स वाई शी वॉज ओवरली इंडल्ज्ड इन हिम, दैट्स वाई शी इग्नोर्ड दैट कि वो सिक होता जा रहा है, वो बीमार होता जा रहा है. तो स्टार्टिंग में दिस वॉज क्वाइट क्लियर. एट द एंड ऑफ द स्टोरी देन ऑल्सो वी गॉट टू नो दैट शी वॉज क्वाइट लोनली, बिकॉज वेन मिस्टर हैरिट कॉल्ड हर कि अब ट्रिकी की तबीयत ठीक हो गई है, शी केम विद इन मिनट्स टू सी हिम, टू रिसीव हिम. दिस शोज दैट वो कहीं ना कहीं शी वॉज क्वाइट लोनली एज वेल. नेक्स्ट पॉइंट, एंक्शियस. इन द स्टार्टिंग शी वॉज क्वाइट एंक्शियस व्हेन ट्रिकी वॉजंट ईटिंग एनीथिंग, जब वो कुछ नहीं खा रहा था, एंड हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग. शी वॉज क्वाइट वरीड एट दैट टाइम. आफ्टर दैट शी कॉल्ड अप एट सर्जरी मैनी टाइम्स. लास्ट में बताया दैट आफ्टर दैट शी कॉल्ड अप एट सर्जरी मैनी टाइम्स टू नो अबाउट द डॉग्स कंडीशन, टू नो अबाउट द ट्रिकीज कंडीशन, वेदर ही गॉट रिकवर्ड और नॉट. तो उस चीज़ के लिए वो बार बार कॉल करती थी. देन नेक्स्ट पॉइंट, अफेक्शनेट. येस, शी वॉज अफेक्शनेट टूवर्ड्स ट्रिकी वेन शी केम टू नो अबाउट हिज इम्प्रूवमेंट. जब उन्हें इम्प्रूवमेंट के बारे में पता लग गया, देन शी स्टार्टेड सेंडिंग एग्स एंड वाइन बॉटल्स टू द हॉस्पिटल. दिस शोज कि वो कितनी ज़्यादा अफेक्शनेट थी. शी गॉट इमोशनल वेन ट्रिकी लिक्ड हर फेस आफ्टर अ फॉर्टनाइट सेपरेशन. और शी गॉट इमोशनल वेन ट्रिकी लीप्ड इनटू हर लैप आफ्टर अ फॉर्टनाइट सेपरेशन इन द हॉस्पिटल. देन बिलीवर. येस, शी वॉज अ ग्रेट बिलीवर बिकॉज शी हैड अ बिलीफ ऑन हैरियट्स मेडिकल ट्रीटमेंट, कि जो मेडिकल ट्रीटमेंट हैरियट दे रहे हैं उससे ट्रिकी ठीक हो जाएगा. एंड शी हैड अ बिलीफ ऑन ट्रिकीज रिकवरी कि हाँ वो फॉर श्योर रिकवर होगा. नेक्स्ट पॉइंट इज ग्रेटफुल. येस, मिसेस पॉम्फ्रे शी वॉज थैंकफुल टू मिस्टर हैरियट. क्यों थैंकफुल थी? फॉर मेकिंग ट्रिकी हेल्दी. उन्होंने ट्रिकी को हेल्दी बना दिया था. नाउ विल टॉक अबाउट कंक्लूजन एट द एंड. क्या लिखेंगे? एक्सेसिव केयर एंड कंसर्न मिसेस पॉम्फ्री के टूवर्ड्स हर डॉग मेड हिम लिस्टलेस. उसको लेजी बना दिया था, लेदार्जिक बना दिया था. एंड हर इग्नोरेंट बिहेवियर, जो इग्नोरेंट बिहेवियर था, नियरली कॉस्ट हर लाइफ, ट्रिकी की लाइफ. बट हर बिलीफ, जो उनका बिलीफ था किस पर, ओवर मिस्टर हैरियट, उनका जो मेडिकल ट्रीटमेंट वो दे रहे थे, एंड ट्रिकीज रिकवरी की हाँ ट्रिकी रिकवर हो जाएगा, ये जो दो बिलीफ थे टर्न हिम इनटू अ हार्ड मसल्ड डॉग. एक सरप्लस फैट से एक वो हार्ड मसल डॉग बन गया था. शी वॉज ओवरवेल्म्ड, वो बहुत ओवरवेल्म्ड थी टू सी ट्रिकी ऑल वेल, क्योंकि वो बिल्कुल ठीक हो गया था. एंड लेटर शी थैंक्ड मिस्टर हैरिट, उन्होंने उनको थैंक यू बोला, सेइंग इट वॉज एन एक्चुअल ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, कि एक एक्चुअल ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी है. सो दिस इज़ हाउ वी राइट अ कैरेक्टर स्केच. अगर आपको समझ में आया है देन राइट इन द कॉमेंट सेक्शन, येस आई हैव अंडरस्टूड इट. एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन ऑल्सो राइट दैट एज वेल. Please like and subscribe my channel. This will also help me to get motivated and to work on another video as well. Till then, bye bye.